और दिल्ली में आज दर्दनाक हादसा हुआ जब दिल्ली के गाजीपुर इलाके में कूड़े का एक बड़ा ढेर सड़क पे धस गया और उसके बाद कई लोगों के फंसे होने की लगातार खबर आ रही है। आज दोपहर गाजीपुर में दिल्ली का बॉर्डर इलाका है जहां पर कूड़े का ढेर गिरा और उस मलबे में कई गाड़ियां दबी हुई हैं। हादसे में दो लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग अभी भी उस मलबे में फंसे हुए हैं। दो बाइक, एक स्कूटी और कार को निकाला जा चुका है गाजीपुर के डंपिंग यार्ड से। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है, 45 लोगों की टीम वहां पर भेजी गई है गाजीपुर में। हम आपको बता दें कि कूड़े का एक ढेर गिरा है आज दोपहर में, जिसमें कई लोगों के फंसने की खबर आई और जो नहर है उसी के बगल से गुजरती है वहां पर कार और बाइक्स के गिरने की खबरें आई। एक कार, दो बाइक और एक स्कूटी को निकाला गया है, कई गाड़ियां दब गई इस मलबे में जब आज दोपहर अचानक से दिल्ली के गाजीपुर में सड़क धसी और उसके बाद कई गाड़ियां नाले में गिर गईं। कई लोगों के फंसे होने की आशंका है, राहत और बचाव का काम लगातार जारी है और अब तक कई गाड़ियां नाले से बाहर निकाली जा चुकी हैं। इस पूरे ऑपरेशन में फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीम भी मदद दे रही है, लगातार जुटी हुई है रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ की टीम, और कोशिश यही कि कैसे जल्द से जल्द राहत बचाव के काम को पूरा किया जाए और जो लोग इसमें फंसे हुए हैं, आशंका की जा रही है जिनके फंसने की, उनको तुरंत बाहर निकाला जाए और जल्द से जल्द उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ मुहैया कराई जाएं। अब तक की खबर के मुताबिक दो लोगों की मौत हो चुकी है इस हादसे में, 5 लोगों के घायल होने की खबर है। एक कार, दो बाइक और एक स्कूटी निकाली जा चुकी हैं उस जगह से जहाँ पर सड़क धसी और उसके बाद वो पूरा मलबा आ गिरा और काफ़ी सारे लोग अचानक से उस घटना का शिकार हुए। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, एनडीआरएफ ने 45 लोगों की टीम मौके पर भेजी है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाई जा सके और जल्द से जल्द राहत बचाव का काम आगे बढ़ सके। आपको बता दें कि गाजीपुर में डंपिंग यार्ड है, गाजीपुर दिल्ली का वो बॉर्डर इलाका है जो यूपी से मिलता है, गाजियाबाद से मिलता है। वहाँ पर जो कूड़े का हिस्सा ढेर है, एक बहुत बड़ा पहाड़ नुमा ढेर है, वो दोपहर में करीब 2:30 बजे गिरा है। ये दिल्ली में दर्दनाक हादसा हुआ है आज दोपहर में, जब वो कूड़े का ढेर गिरा तो उसके पास से गुजर रहे जो तमाम लोग थे वो नहर में गिर गए, उस हादसे का शिकार हुए और जिसके चलते बाइक्स, कार, स्कूटी उस नाले में गिरे और रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत लगातार वहां से लोगों को बचाया जा रहा है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं आपसे कुछ देर पहले की, उसी रेस्क्यू ऑपरेशन की जहां लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है एनडीआरएफ की तरफ से। ये 1984 में पहाड़ को खड़ा किया गया था। सूरज अरोड़ा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं मौके से। सूरज, आपसे समझना चाहेंगे क्या अपडेट है इस वक्त की? अपडेट्स जो है वो तस्वीरों के जरिए अनुराग लेना जो है वो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि लगातार राहत और बचाव का जो काम है वो चल रहा है, रोड ये क्लियर की जा रही है और जो वाहन अंदर से मिले हैं वो, अब ये सामने कार भी है, स्कूटी भी है और दो मोटरसाइकिल जो हैं वो अंदर से इसके मिली हैं, और एक प्रत्यक्षदर्शी जो हैं वो मुन्नी खातून, सामने उनका घर है इसी बिल्कुल नाले के महज 100 मीटर की शायद दूरी, बहुत ज्यादा होगी, वहीं इनका घर है। आप क्या देखा उन्होंने, बताइए कि उस वक्त का मंजर क्या था, हालात क्या थे? उस मंजर का हालात ये थे कि हमें खुद अपनी जानों की परवाह पड़ रही थी कि हम अपनी जान कैसे बचाएं, इतना पानी हमारी कॉलोनी के अंदर, इतनी ऊंची लहरें उठ गई, इतनी ऊंची लहरें उठ गई थी और इतनी तेज आवाज थी कि हमारा, हम अपने घर छोड़ के अपने बच्चों को लेकर बाहर अब भाग रहे थे अंदर गलियों में। जब हमने देखा लोगों ने, जब वो मंजर रुक गया फिर हमने लोगों की जान बचाई यहाँ पे, जो बेचारे यहाँ पे गिर गए थे स्कूटी वाले और गाड़ी इसके अंदर गिर गई थी, तो हमने वो ड्राइवर को उसको निकाला, रस्सा डाल के एक लड़के को यहाँ से निकलवाया हमने उसके लिए, और कई आदमियों की, 5 लोगों को हमने अपनी इसमें से जाने बचाई, लोगों को अफरा तफरी का माहौल था। एक आदमी के ऊपर आदमी चढ़ रहा था, जो जाली टूटी है आप देख सकते हैं इसके अंदर, जाली टूट के ये अंदर मलबे का जो वो हुआ है, मलबे के प्रेशर से ही टूटी है ये, मलबे के प्रेशर से टूटी है, पेड़ तलक के टूट गए हैं मलबे के, उससे जो मलबे का जो इतना सलाह इतना आया है कि हमें अपनी जानों का खतरा लग रहा था इस तरीके से कि हमें ये लग रहा था कि कल को हमारी ईद नहीं मनेगी, जो हम जिस तरीके से हमने मंजर देखा। सूरज, हम आते हैं आपके पास, आप हमारे साथ बने रहे और आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि जब ये हादसा हुआ उस वक्त उस सड़क पर किस तरीके की स्थिति थी, लेकिन गाजीपुर क्षेत्र के विधायक क्या कुछ कह रहे हैं ये हम पहले सुनवाते हैं।
ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा बहुत ज़्यादा, और मेरे लिए बड़ा मुश्किल का वक्त है ये कि जो मेरी भोली भाली जनता है, जो पहले की सरकारों ने दिया हुआ ये मुझे कूड़े का ढेर है, जिसके लिए मैं पिछले 3 साल से लगातार लड़ रहा हूँ कि भाई इस कूड़ेदान को बंद कर दिया जाए, यहाँ से हटा दिया जाए, कि इसकी हाइट जो रखी थी एमसीडी ने उससे कई गुना बढ़ चुकी है, उसके बावजूद इस पे एमसीडी ने कभी कोई संज्ञान नहीं लिया। मैंने विधानसभा में कई बार ये सवाल उठाए, उसके बावजूद इस पे कोई संज्ञान नहीं लिया गया एमसीडी द्वारा। मैंने माननीय नितिन गडकरी जी को लिख के अपनी सुझाव दिया कि जी आप इस मलबे को उठा के एनएच को जो बड़ा करने जा रहे हैं उसमें डाल दीजिए। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया, मुझे लेटर भी भेजा कि हम इसको एनएच में डालेंगे, जिससे हाइट अगर ये काम एनएच में डाल के कुछ कम कर दिया गया होता, या इस मलबे के लिए डीडीए से ये कहीं जमीन ले करके कहीं और डंपिंग ग्राउंड बना देते, आज ये मासूम मेरी कोंडली की जनता इस तरह का हिस्सा नहीं बनती। तो सूरज, आपने सुना उस क्षेत्र के विधायक एक तरीके से केंद्र सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, पिछली सरकारों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लगातार वो इस मुद्दे को विधानसभा में उठाते रहे हैं, केंद्रीय मंत्री से अपील कर चुके हैं, किस तरीके से देखते हैं? क्या इस वक्त प्राथमिकता सरकार की ये हो कि राहत बचाव के काम में तेजी लाई जाए, या ये सही वक्त है इस वक्त राजनीति करने का और एक दूसरे पर आरोप डालने का? इसका बेहतर जवाब मुझे लगता है अनुराग यहाँ की जनता अगर दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मुन्नी खातून यहाँ हमारे साथ मौजूद है, यहीं रहती हैं, विधायक इलाके के, कहते हैं कि एमसीडी को उन्होंने कहा था कि डंपिंग यार्ड की जगह अलग बनाई जाए, अलग इसको की जाए, एमसीडी की गलती है। निश्चित तौर पर इस पर सियासत शुरू हो गई है, आप क्या कहेंगी? वो उन्होंने सियासत तो उन्होंने इस टाइम 2 घंटे बाद तो हादसे के बाद वो आए हैं, वो सियासत करने के लिए आए हैं। काफ़ी दिन से ये रोड टूटा पड़ा है, उनको ये पता नहीं है, उन्हें ये पता नहीं है कि जब हादसा हो गया, जब वो लोग आए हुए जब लोगों की जानें जा चुकी हैं। बिल्कुल, तो स्थानीय लोग बेहतर तरीके से जवाब दे रहे हैं सूरज कि किस तरीके की राजनीति यहाँ पर दिख रही है, और ये बड़ी अफसोसजनक बात है। इस वक्त तमाम प्रशासन की और सरकारी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो राहत और बचाव के काम में प्राथमिकता लाएं, लेकिन यहाँ पर घटना के, हादसे के, दर्दनाक हादसे के 2 घंटे के भीतर भीतर ही राजनीति गरमानी शुरू हो जाती है, और जो चुने हुए माननीय हैं वो वहाँ जाकर कहते हैं कि साहब जिम्मेदारी हमारी नहीं, केंद्र सरकार की है। हालांकि वहाँ की जनता कह रही है कि हादसे के घंटों बाद तो खुद माननीय वहाँ पर पहुँचे हैं, सड़क बहुत दिनों से लगातार खराब पड़ी हुई है, आप कर क्या रहे थे, आपकी भी जवाबदेही बनती है। और सूरज, आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये जो इलाका है, दरअसल में ये वो सड़क है संभवतः जो दिल्ली के इलाके को नोएडा से जोड़ती है, गाज़ियाबाद से जोड़ती है, और सुबह और शाम के वक्त यहाँ पर ट्रैफिक का मूवमेंट बहुत ज़्यादा रहता है, और इस नहर के जो हम तस्वीर में देख रहे हैं इसके दूसरी तरफ का जो इलाका है वो संभवतः उत्तर प्रदेश में आता है। किस तरीके की वहाँ की भौगोलिक स्थिति है, और दोपहर में 2 बजे या 2:30 बजे जब ये हादसा हुआ ट्रैफिक मूवमेंट किस तरीके का था, जो वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी हैं वो क्या कुछ बता रहे हैं आपको? देखिए, प्रत्यक्ष दर्शियों के मुताबिक उस वक्त स्कूल की छुट्टी हुई थी। तस्वीरें आपको दिखाते चलें, बताते चलें साथ में कि ये जो रोड है NH 24 पर इस वक्त जो है वो बड़ा काम चल रहा है, रोड फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, तो वहां मैक्सिमम जाम की स्थिति रहती है। इस वजह से इस सड़क का, इस रोड का ज्यादा इस्तेमाल होता है, और स्कूल की छुट्टी का वक्त था तो भीड़ जो है इस रोड पर जरूर थी, और उसी वक्त यह हादसा होता है, और हादसा इतना बड़ा रहता है कि वहां चीख पुकार मच जाती है। अनुराग, साथ ही इलाके में जो पार्षद हैं वो कांग्रेस के हैं जी, वो भी यहाँ साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं और उनसे ये भी इलाके की आखिर ये स्थिति है क्या। सूरज, उनसे आप ये भी पूछेगा कि उस क्षेत्र के विधायक अब तक कांग्रेस के ही रहे हैं जो दिल्ली विधानसभा में उपाध्यक्ष तक रहे हैं, तो अगर इस वक्त के विधायक सवाल खड़ा कर रहे हैं इस 34 साल पुराने कूड़े के ढेर के लिए, तो सवाल उनसे ये भी पूछेगा कि जब आप सत्ता में थे तो आपने किया क्या दरअसल में? बिल्कुल, अपने आप में सवाल बढ़ाएगी सियासत इस पर शुरू हुई है, लगातार सवाल उठा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, कहते हैं कि जिम्मेदार जो है वो एमसीडी है, ये हटना चाहिए था, और केंद्र सरकार है। देखिए, सबसे पहले हम बता दें इसको कि ये जो आज दुर्घटना हुई है इसके लिए पूर्ण रूप से प्रशासन, चाहे नगर निगम की निकम्मी सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो, और चाहे दिल्ली के अंदर केजरीवाल, जिस तरह से झूठ बोल करके दिल्ली को गुमराह किया, ठीक आज उसी का ये जीता जाता उदाहरण है। आज लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। बिल्कुल, जिम्मेदार आपने कहा वो है, निश्चित रूप से वो आपको ठहरा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब आप सत्ता में थे तो आपने किया क्या, आपने क्यों नहीं ये काम किया? देखिए, मैं 2012 से निगम पार्षद हूँ, 2012 में, लेकिन कांग्रेस 2012 से पहले नहीं, वो तो लगा
लगातार थी ना। मैं अपनी मैं बता दूं, इस क्षेत्र का मैं प्रतिनिधि होने के नाते 2012 से जब से हम नगर निगम में गए, मैंने 4 बार शिकायत लिखित रूप में कमिश्नर पूर्वी दिल्ली नगर निगम को दिया। उसके साथ साथ यहाँ पीडब्ल्यूडी की सड़क जो इस ठीक खत्ते के नीचे, जिम्मेदार दोनों है वो निश्चित रूप से अपनी पार्टी को नहीं ठहराएंगे। देखिए दोनों के दोनों सरकार एक दूसरे को लीपा अपनी पार्टी को कहेंगे कुछ थोड़ा कांग्रेस सूरज इनसे पूछेगा 34 साल से है वो कूड़े का ढेर। कांग्रेस की सरकार 34 साल से कूड़े का ढेर है। इस क्षेत्र के विधायक दिल्ली विधानसभा में उपाध्यक्ष रहे हैं 2007 के साथ से पहले का नहीं। माफ कीजिएगा, मैं आपको बता देता हूं कि इस इलाके का मैं रहने वाला हूं, ये मेरा गांव है, गढ़ौली गांव से मैं बिलोंग। 2007 के बाद बना है कूड़े का ढेर? नहीं नहीं, पहले से ही बना हुआ है। अध्यक्ष आपके सामने जनता सामने, जनता है निश्चित रूप से, जनता जानती है कि जिन लोगों को जिम्मेदारी दी थी आज वो लोग कहाँ हैं। केवल और केवल मीडिया पर बैठकर झूठ बोलना जानते हैं। सिर्फ राजनीति अनुराग, इसके अलावा और कुछ सुनने को नहीं मिलेगा। पब्लिक तरसता है इस कूड़े के ढेर से, बीमारियों की बात हो या भले ही आज जो जानलेवा हादसा हुआ है उसकी बात हो। हमने इससे पहले भी इस इलाके की कवरेज की है, नगर निगम चुनाव के दौरान लगातार यहाँ का मुआयना किया, दौरा किया। बीमारियां तरह तरह की फैलती हैं और अब हालात जो हैं वो और ज्यादा मुश्किल भरे हुए हैं क्योंकि लोगों की जाने गई है इसकी वजह से। जी बिल्कुल। लेकिन सूरज, इस बीच जो राहत बचाव का काम है वो किस तरीके का चल रहा है? क्या स्थानीय जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, कुछ नाराजगी उनमें कि राहत बहुत देर से पहुंची या राहत समय से पहुंच गई थी और बचाव का काम तत्काल शुरू हो चुका था? ये जरूर लोगों से जानेंगे और साथ ही साथ तस्वीरें भी देखेंगे अनुराग की। राहत और बचाव का काम लगातार चल रहा है और साथ ही ये भी बता दें कि दिन जो है वो भी अब ढलने वाला है, इसलिए अंधेरा होने से पहले पहले जितना रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चलाया जा सके, जितने लोगों को अगर यहाँ पर राहत दी जा सके, वाहन अगर फंसे हों उनका आंकलन हो सके तो वो अपने आप में बेहतर है। जी क्या कहना चाहते हैं? जी कुछ लोग उधर भी फंसे हुए हैं नहर की पल्ली तरफ, उसमें भी 5-7 लोग दबे हुए निकलेंगे, लेकिन उधर किसी तरह का कोई बचाव का काम, बचाव कार्य उधर का शुरू नहीं हुआ है। मैं कहूंगा, मैं चाहूंगा इस इलाके के प्रधान होने के नाते जल्दी से जल्दी उधर भी जो राहत कार्य। ये किस इलाके की बात कर रहे हैं? ये दूसरी तरफ की जो बात कर रहे हैं सूरज, वो किस इलाके की बात कर रहे हैं? ये सीमावर्ती इलाका है, उत्तर प्रदेश से सीमा मिलती है इस इलाके की, तो क्या वो भौगोलिक रूप से दूसरे राज्य का हिस्सा है जहाँ पर राहत बचाव का काम नहीं चल रहा है, या वो दिल्ली का ही हिस्सा है जहाँ पर अभी राहत बचाव का काम शुरू नहीं हुआ है? आप में बहुत बड़ी बात अनुराग, दोनों तरफ हादसा हुआ है लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन एक तरफ चल रहा है, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो ये बता रहे हैं। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इन सब के बीच हमारे सहयोगी सूरज ने कुछ देर पहले वहां की स्थितियों का जायजा लिया और किस तरीके के हालात थे आप देखिए जरा। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में बड़ा हादसा हुआ है, कूड़े का जो पहाड़ है डंपिंग सामने आप देख सकते हैं और इसमें से एक बड़ी मात्रा में जो कूड़ा है वो बाज बनी नहर में गिरता है और उसके बाद कूड़ा उछलकर और नहर का पानी रोड पर आता है, जिसमें कि जो गाड़ियां चल रही थी वो इस नाले में आकर गिर जाती हैं। लगातार जो गोताखोर हैं वो राहत और बचाव का कार्य कर रहे हैं, प्रशासन के जो लोग हैं वो लगे हैं, जेसीबी बुलाई गई है और कार एक यहाँ पर व्हाइट कलर की इसमें फंसी है, वो देख सकते हैं आप कि कार को अब निकालने की कोशिश की जा रही है और कार जो है वो अब जेसीबी मशीन जो है उसके द्वारा, क्रेन द्वारा बाहर निकाली जा रही है। और लगातार इसी तरह की तस्वीर जो है इससे पहले भी आई थी, स्कूटी को ठीक इसी तरह से इससे पहले निकाला गया था जिसमें एक महिला जो थी स्कूटी पे चला रही थी वो भी फंसी हुई थी, जिनको एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल में ले जाया गया है और अब ये कार को बाहर निकाला जा रहा है। ये बड़ा हादसा जो है वो राजधानी दिल्ली के गाजीपुर इलाके में हुआ है, दोनों तरफ एक तरफ नाला और दूसरी तरफ नहर है और बीच में ये रोड है जहाँ से वाहन चलते हैं, आवागमन होता है और कूड़े का जो बड़ा भाग, बड़ा ढेर उस नदी में आकर गिरता है, जिसके बाद बड़ी तादाद में पानी उछलकर बाहर आता है, साथ में कूड़ा आता है और जितने वाहन रोड पर चल रहे थे वो दरक कर इस नाले में जा गिरते हैं। ये बड़ा हादसा गाजीपुर में हुआ है। आप प्रत्यक्षदर्शी हैं, आपने देखा सब कुछ? जी। क्या हुआ था बताएं कुछ? जिसका पता नहीं चल रहा है कितने लोग, कितनी गाड़ियां थी यहाँ पे, जो फिर लोग अंदाजा लगाया जा रहा है। इतनी गाड़ियां थी सब बीच में आ गिरे? हाँ जी, कुछ गाड़ियां बीच में गिरी है, एक गाड़ी निकाल ली अभी आपके सामने निकाल ली है। एक स्कूटी थी उसपे 3 लोग थे, एक लड़की, एक बच्चा और एक जेंट था स्कूटी में। स्कूटी पे वो बाहर निकाल ली गई आपके सामने? बाहर निकाली, लड़की थी, लेडीज उसकी मतलब कुछ
उसकी डेथ हो गई लेडीज की। पुर में जिस तरह से कूड़े का ढेर लगा और जिस तरह से हादसा हुआ है वो अपने आप में कई सवाल उससे पैदा होते हैं और जांच होगी और इन सवालों का जो जवाब है वो भी जिम्मेदारों को देना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ सूरज अरोड़ा।